गोलियां का नहीं पता, रात 9 बजे का टाइम थी, पता नहीं गोलियां कौन सी किन्ने चलाइया किन्ने नहीं चलाई, नेरे दे विच कोई समझ नहीं लगी। तो आ साड़ी भन तोड़ की, वाहवा साले बंदे आए तो उन्होंने प्रौहना गोलियां चलाई जाता है, तो पम्मा तो लखी उन्होंने दातर बाई गए आ बंदे भी पंजी जाने आए ही तो नपोल ही आ गए सानू पै गए जी। लंगर भंडारा वध्या हुंदा वा, उन्हां सारा आटा दाल वेच वूच के रात नूं शामी शराबां शरूबां बाबे तो पी के तो फिर साढ़े घर आण के इत्थे बोहां गाड़ी रौला रप्पा पाउण लग पे, तो जाने के साडा हफ्ते कु नूं विआह वी सी जाने के मुंडे दा। इन्होंने घर आण के जो जनानियां कलियां आ तो उदो इन्होंने बाद च भन तोड़ सारी की आ, तो साडा जाने के जोड़ा 50,000 रुपया ही तो कुड़ी का जोड़ा अं गहना गट्टा बनाया वो भी सारा ट्रंक चो कढ़ के लै गए। ये घट्टो घट भी 30-40 बंद का काफला है जी। कल परसों की मेले च गलबात हुई आ, मेले के बाद च मुड़ के गल। हाँ जी, हाँ जी, गोली चलती है जी, गोली ने अमृतसरों मुंडा प्रौहना इन्हों का, तो प्रौहना गोलियां चलाई जाता है, ये दातर वही जाते भी 25 जने लिया। हाँ, बाबे मंगे शाह का मेला है जाने के 30 तरीक न, ठीक है, वो तो जाने के एक दिन पहला 29 तरीक न रात कवालियां का प्रोग्राम हो रहा है बाबे दे, कि जाने के साडा भतीजा जिहड़ा मेरा वो काम तो 9 बजे आया, तो जाने के बाबे दे मत्था टेकन गया वा, तो चलो रौनक मेला जो भी उत्थे महाराज दा वेखण गया है, तो उत्थे जाने के एक मुंडा है कमेटी मैंबर उहने दे नाल मोढ़ा मारिया, तो इहनू हत्थों पाई होया, ये भज के साडे घर आया वा, जदों सानू कहन लगा अपने माँ प्यो नूं वी वी मेरे नाल चलो, अपने चाचा ताया नूं कह लगा मेरे नाल चलो, बाबे दे जाने के उन्हां मेरे गल पए आ मुंडे, अहीं जाने के चाचा ताया माँ प्यो कहा भी नहीं बाबे दे मेले दे विच रंद नहीं पाउणा, ठीक है ना, आपां अगे ना कदी इहो जिहा काम होण दित्ता, ना किसे नूं पाउण दित्ता, ना आपां पाउणा ही आ, ते महाराज दा मेला चल रिहा, महाराज दे मेले च नहीं रंद पाउणा। ते फिर इन्हां ने जाने के उदों अहीं अपना जाने के उहनूं मुंडे नूं रोक छड्डिया घर, अहीं वी नहीं मेले दे विच गए, अहीं सवेरे गए आ, सवेरे जा के मेले दे विच सेवा भी कीती आ, गवाह भी आ गए सेवा वाले जिन्हां दे सामणे अहीं कीती आ, ठीक आ, अहीं इहो जिहा मन विच सोचा नहीं वी कोई गल अगे इह वधाउणगे। फिर इन्हां ने अगले दिन जाने के जो भी लंगर भंडारा वध्या हुंदा वा उन्हां सारा आटा दाल वेच वूच के रात नूं शामी शराबां शरूबां बाबे तो पी के तो फिर साडे घर आण के इत्थे बोहां गाड़ी रौला रप्पा पाउण लग पे, तो जाने के साडा हफ्ते कु नूं विआह वी सी जाने के मुंडे दा, असीं मन विच इही सोचा भी कले नहीं करनी भी जाने के सा अपना प्रोग्राम आ, मुड़ के सट्टां पेटां लगणगियां, तो असीं जाने के इस तरह चलो सरपंच वल गए हां, सरपंच साहब ने सानू थाने भेजिया, उन्ने चिर नूं इन्हां आण के इधर अपना जाने के बाकी झगड़ा भी होया थोड़ा बहुता, इन्होंने घर आण के जो जनानियां कलियां आ तो उदों इन्होंने बाद च भन तोड़ सारी की आ, तो साडा जाने के जोड़ा 50,000 रुपया ही तो कुड़ी का जोड़ा अं गहना गट्टा बनाया वो भी सारा ट्रंक चो कढ़ के लै गए, तो सानू इंसाफ दवाया जाए साडा, ये घट्टो घट भी 30-40 बंद का काफला है जी। हाँ जी, कोई गोली नहीं भाजी, सानू ही ये पता, अहीं ना अहीं गरीब बंदे हाँ, मेहनत मजदूरी करने वाले हाँ, सानू जे कोई कह दे कि अगे अं किसी ना कोई बद्दी की आ, तो सानू आण के कोई जो भी कार्रवाई कर लैन, अहीं मंग इहो करदे वी सानू साडा जिन्ना भी नुकसान होया भरिया जाए, साडा जिहड़ा सोना कुड़ी का समान लै के कढ़ के 50,000 रुपया कढ़ के खड़िया वह भी साडा भरिया जाए, साडा हफ्ते नूं विआह है जाने के अहीं अपने विआह की तैयारी कर रहे हाँ, लीड़ा कपड़ा अं बना है, 10 दिन होए हैं उन्होंने विआह दिते नूं जाने के 2 दिन पहला ही मेले तो पहला 9 तरीक नूं, 9 तरीक नूं सानू साडे रिश्तेदारां विआह दिता है, तो अहीं तैयारी कर रहे हैं भी छेती छेती भी चलो थोड़े टाइम के जाने के अपना अं प्रबंध कर रहे हाँ। तो उन्हों का प्रौहना गोलियां चलाई जाता है, तो पम्मा तो लखी उन्होंने दातर बाई गए आ बंदे भी 25 जने आए ही तो नपोल ही आ गए सानू पै गए जी। कल परसों की मेले च गलबात हुई आ, तो मेले के बाद च मुड़ के गल हुई है सरबजीत, पहला भी थोड़ी बहुत गल तुरी ही तो बाद मुड़ के फिर धोदी धोदी तो। हाँ जी, हाँ जी, गोली चलती है जी, गोली ने अमृतसरों मुंडा प्रौहना इन्हों का, तो प्रौहना गोलियां चलाई जाता है, तो ये दातर वही जाते भी 25 जने लिया। वो
भन झोल इन्हें आप भी की कुछ ही नहीं की ना आप ही कुछ की जी साढ़े चार जख्मी हुए जी दो अंबरसर वा दो इत्थे आ जी मंग अं कहने भी उन्होंने आपचे तरोक से चलीए ये हो भी परसों बाबे मंगेशा का मेला ही ते ए मुंडे दे गल पै गए मेरे पोतरे दे लेकिन उदों वो कमेटी ने छड़ा दिता जिहड़ी मतलब के कमेटी मेले दी ही अगले दिन मुंडा तरन तारन और नूडल दी जिहड़ी वो की केड़ी दुकान है वो अपनी जिथे जाता है तरन तारन काम दे गया ही तो रस्ते देनू मुंडे फेरे पै गए कट्ठे हो गए तो उदो जो सानू पता लगा फिर अं भी भज के मुंडे बचाने वास्ते गए उसे माड़ा मोटा झगड़ा हो गया तो सट्टा सुट्टा इन्होंने भी लगियां साढ़े भी लगियां फिर अं मुड़के अपने बच्चों को समझा के थाओं थाई पा दिता ये मुड़के आके फिर कट्ठे हो गए ते आ साड़ी भन तोड़ की वाहवा हाले बंदे आए हाँ जी हो गए साढ़े घर आके तो दो थावां ते साडा नुकसान किया हाँ जी साडा एक एक ही आ एक बंदा जख्मी होया वो पट्टी हाँ जी पट्टी हस्पताल गोलियां का नहीं पता रात 9 बजे का टाइम थी पता नहीं गोलियां कौन सी किन्ने चलाइया किन्ने नहीं चलाइया ਨੇ ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੰਗੇਸ਼ਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰਬਾਜ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਹੀ ਰੰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਤਮ ਗੁੱਤਾ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਐਸ ਆਈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਖਬਰ 8:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਗੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਬਦੀਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਜੋਤਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ कि तुसी जिंदगी दी किसी भी समस्या तो परेशान हो कि तुहाडे व्याह विच हो रही है देरी कि तुसी संतान सुख तो वांझे हो कि तुहानू तुहाडा मनचाहा प्यार नहीं मिल रहा कि तुसी लाउणा चाहुंदे हो लॉटरी दा सही नंबर कि तुहानू नौकरी नहीं मिल रही कि तुहाडा वीजा नहीं लग रहा कि तुसी विदेश च पक्का होना चाहुंदे हो धन दी कमी बीमारी तो परेशानी घर बैठे बिठाए ही कीता जावेगा तुहाडी समस्या दा समाधान फीस कम होण तो बाद ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਸਮਾਧਾਨ।